बड़वानी जड़ रबी फसलों के लिए केंद्रों की चक्कर लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा किसानों का पंजीयन। किसान हो रहे हैं परेशान। चय किसान ऋण माफी में कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने की वजह से नहीं हो पा रहा है पंजीयन। अचारा दिन जाति सोसाइटी में रबी की फसल के लिए 21 जनवरी से पंजीयन की शुरुआत की गई और 23 फरवरी तक किसानों का पंजीयन का काम किया जाएगा, जिसके लिए 2 केंद्र खोले गए हैं। आदिम जाति संस्था अजर, दूसरा खंडेराव विपणन सहकारी संस्था ठीकरी। लेकिन 21 जनवरी से शुरुआत होने के बावजूद अब तक एक भी किसान का पंजीयन नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि पंजीयन के लिए किसान नहीं आ रहे हैं, बल्कि जय किसान ऋण माफी योजना के तहत संस्था के कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य में लगे हैं, जिसकी वजह से पंजीयन करने के लिए कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है और किसान दूर दूर से आकर परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। इस तरह किसानों का परेशान होना और बिना पंजीयन वापस लौटना व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करता है। एमपी यूजकास्ट जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र केवट। फिर हम खबर भेजेंगे। क्या नाम है? मार्क्सीय चौहान, संस्था प्रबंधक। अच्छा, ये गेहूं एवं चना खरीदी के लिए अंजड़ क्षेत्र में अब तक कितने सेंटर खोले गए? 2 सेंटर खोले गए हैं। अच्छा, एक संस्था अंजड़ और मार्केटिंग संस्था खंडेराव, मार्केटिंग संस्था ठीकरी। अच्छा, और अभी तक कितने पंजीयन हो चुके हैं? कोई पंजीयन नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि फसल ऋण माफी योजना के कारण उधर काश्तकार लगे हुए। अच्छा, सुना है कि अभी आपके जितने भी कर्मचारी हैं, कंप्यूटर जो ऑपरेटर हैं, उनकी सारी कर्मचारियों की ड्यूटी जय किसान योजना के अंतर्गत जो किसान माफी योजना चल रही है उसमें लगा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे क्या निपटेंगे इससे? ऐसी स्थिति में ऐसे निपटा जाएगा कि आज 25 तारीख है, इसके बाद में जो भी होगा। अच्छा, क्योंकि साहब द्वारा भी इसकी कार्रवाई चल रही है और जल्द शुरू करने की। अच्छा, ये कब से चालू हो गया पंजीयन इसका? इसका पंजीयन 21 तारीख से शुरू होने का। अच्छा, आखिरी तारीख इसकी? आखिरी कैसी गोपाल? 23 फरवरी है। चलिए।